नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विक टिप पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट की टेक्निकल काउंसलिंग या यूपी टेक की जो काउंसलिंग है उसके लिए कंप्लीट शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। यानी राउंड वन से लेकर राउंड सेवन तक के जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट है, चॉइस फिलिंग डेट है, चॉइस लॉकिंग डेट है, प्लॉट और जब जो भी चीज़ें हैं, पेमेंट है, फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट है, पूरी डिटेल जो है कि जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ आपको जो मैं इसमें पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी वेबसाइट पर आपको कौन कौन सा अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। जैसे दोस्तों, आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे। अब इसमें आपको यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी है और जो यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड जो इतने कॉलेज हैं उनको मिल जाएगा। जैसे एक ही टी यू से जो है कि मैक्सिमम कॉलेज अब जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज अफिलिएटेड हैं, जैसे बी आई टी हो गया, के एन आई टी हो गया, आई टी लखनऊ हो गया, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं कि मैक्सिमम जो कॉलेज हैं वो एक ही टी यू से अफिलिएटेड हैं। बाकी जो है कुछ यूनिवर्सिटी जो है कि और उनके जो अफिलिएटेड कॉलेज है, जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी है, डी डी यू यूनिवर्सिटी है, जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन इन यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जो है कि इसके काउंसलिंग के थ्रू जो है पार्टिसिपेट या फिर एडमिशन जो है बड़े आराम से ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन ब्रोचर चाहिए होगा तो आप चाहे पूरा प्रोस्पेक्टस जो है या फिर उसको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी बोलते हैं, तो आप जो है कि उसमें पूरा डिटेल में जो है जानकारी पाने के लिए मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। कैसे कैसे इसमें आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आपको जो है कि डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आपको 1 अप्रैल के बाद का बनवाना है ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, सबका आप जो इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगी, बहुत सारी जो सीट रिजर्वेशन है, कैसे काउंसलिंग होती है, सारे जो स्टेप बाय स्टेप जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में मिल जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर हमारा जो आता है मेन जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है शेड्यूल। तो शेड्यूल जो है कि यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो शेड्यूल पे आपको दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कि दे रखा है कि जो टेंटेटिव शेड्यूल है यूपी टेक 2022 का बीआर का और बीटेक के लिए, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का तो यूपी सेट के जो है कि उसके मतलब सीयूईसीईटी के जो है कि रैंक के बेस पर होगा, तो उसका अलग से काउंसलिंग होगी। लेकिन जो बीआर का बीटेक के लिए जो कराने वाले हैं वो इसके जो होगा। दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको जो है कि इसका जो पीडीएफ है इसको जो है डाउनलोड कर लेना है, इस पर क्लिक कर लीजिए। मैं हम डाउनलोड कर चुका हूं, तो आप जो है कि अपने डाउनलोड सेक्शन में चले जाएंगे। उसमें तो डाउनलोड सेक्शन में मैं यहां पर आपको जो है कि इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर जब ओपन करेंगे तो आपका जो है कि शेड्यूल जो है कि ओपन हो जाएगा आप में। तो देखिए, यहां पर इस तरीके से आपका जो है शेड्यूल हो गया, ओपन हो गया है। तो यहां पर लिख रखा है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग 2022 टेंटेटिव शेड्यूल। तो दोस्तों, टेंटेटिव का मतलब ये है कि अगर इसमें जो है कि कुछ चीज़ें अगर उनको जो है ज़रूरत लगती है या फिर ऐसी चीज़ें आती हैं तो ये जो है डेट चेंज कर सकते हैं। तो इसको जो है कि आपको बार बार जो है कि विजिट करना पड़ेगा, इसको जो है कि अपडेट मतलब अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं हम अपने पहले राउंड की। और पहले राउंड में एक खास बात यह है कि ये जो स्टार्ट हुआ था कि 31 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 31 जो है कि सितंबर मतलब एक महीना तक ही चलेगा। पहले इसका डेट 20 सितंबर तक था, फिर उसके बाद 25 कर दिया गया था, फिर अब इसको तो बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। अब इसमें क्या दोस्तों खास बात यह है कि आपको जो है कि जितने भी दूसरा, तीसरा और चौथा राउंड है या पहला राउंड जो है उसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो यहीं पर होगा। अगर आप जो है कि सोचें कि दूसरे राउंड के लिए जो है कि मैं फ्री मतलब अगर पहले राउंड में नहीं कराया तो दूसरे राउंड में करा लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है कि दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड में कराने के लिए जो काउंसलिंग है उसको आपको अभी जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप जो है कि पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, दिस इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द रेगुलर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड इन राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। और दोस्तों, जब आप स्पॉट राउंड होगा, जो वैकेंट सीट बचेंगे उसमें आप जो है कि फिर से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है, वहाँ पर देखिए 5 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक यहाँ पर दे रखा है। फिर उसके बाद देखिए, हमारा जो रिस्पांस ऑफ क्यूरी है यहाँ पर आपका जो है कि 5 सितंबर टू 1 अक्टूबर दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सारे जो डिटेल हैं, चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का, चॉइस लॉकिंग का, सीट अलॉटमेंट आपका पहले राउंड का जो है 14 अक्टूबर को आ जाएगा। आपको कॉलेज जो है आपको अलॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों, आपको फ्रीज प्लॉट का ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज का मतलब ये कि जो भी आपको ऑप्शन मिला है उससे आप संतुष्ट है और उसी कॉलेज में, मतलब उसी कॉलेज में, उसी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके बाद आप कोई अपडेट या अपग्रेड नहीं करना चाहते। प्लॉट का मतलब ये है कि आप उस सीट को होल्ड करना चाहते हैं और अगर आपको उससे बेटर आपको सीट अगर ऑप्शन मिलता है तो जो है कि आप उसके लिए भी स्विच कर सकते हैं। आपका जो है कि जो आपको सीट मिला वो आपका जो है जाएगा नहीं इससे, तो आप प्लॉट का ऑप्शन जो है कि बेटर रहेगा।
तो जिससे कि आपको जो है अगले राउंड में जो है कि अपने आप जो है कि बढ़िया बढ़िया सीट आपको अगर वैकेंट रहता है सीट तो आपको जो है मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कि पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन, जब भी सीट आपको जो मिल जाता है तो आपको जो है कि आपके कैटेगरी के हिसाब से, जैसे ओबीसी हैं जनरल हैं तो आपको 20,000 रुपये, एससी एसटी हैं तो आपको जो है 12,000 रुपये आपको कन्फर्मेशन चार्ज देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपका जो है कि दूसरे राउंड का जो है कि आपको फिलिंग और चॉइस लॉकिंग जो है स्टार्ट होगा 18 अक्टूबर को, फिर वहाँ पे आपको 20 अक्टूबर तक आपका यहाँ पे चलेगा, फिर उसके बाद 21 अक्टूबर को आपको जो है कि सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और भी चीज़ें हैं कि आपको विदड्रा करने का भी ऑप्शन है, जैसे दूसरे राउंड में आपको विदड्रा करने का ऑप्शन जो है कि मिलने लगेगा, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन विलिंगनेस भी आपको यहाँ पर मिलेगा, फ्रीज फ्रॉड का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट अप करने का भी ऑप्शन मिलेगा उस पहले राउंड की तरह। फिर उसके बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन विदड्रा का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई अब मुझे काउंसलिंग में पार्ट नहीं करा, मुझे सीट लेना है नहीं है, मुझे NIT IIT या फिर कहीं और एडमिशन हो गया, या फिर आपने ड्रॉप कर लिया, कुछ भी हो गया, कोई रीज़न आप एडमिशन नहीं लेना चाहते और आप पैसा अपना रिफंड जो चाहते हैं, जो आपने सीट कन्फर्मेशन चार्ज दिया था, तो आपको जो है दूसरे राउंड में आप अगर रिफंड लेंगे तो 5,000-5,000 रुपये आपका जो है कि 5,000 रुपये आपका जो है कि अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो कटेगा, अगर आप जो है कि 3,000 रुपये आपको एससी एसटी के रहते हैं तो आपको कट गया, बाकी जो है कि 15,000 रुपये या 9,000 रुपये आपको जो है कि वापस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे राउंड की बात करें, तीसरे राउंड में भी आपको जो है कि ऑनलाइन चॉइस फील्ड लॉकिंग करनी है, तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइस फील्ड विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर द फर्दर राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। दोस्तों अब जो है कि दूसरे राउंड में तो आप जो है कि अगर मान लीजिए पहले राउंड में चॉइस फील्डिंग आपने जो किया था, आप दूसरे राउंड में उसको चेंज भी कर पाएंगे, तीसरे राउंड में भी आप जो है कि चेंज कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद अब जो है चौथे राउंड पांचवे राउंड के लिए चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है आपका लास्ट चांस होने वाला है आपको चॉइस फिलिंग चेंज करने का। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जो है कि कुछ आप जितना आपके पास समय है तो सबसे बढ़िया आप उसको यूटिलाइज कीजिए, अपने चॉइस फिलिंग को बनाने के बेस्ट टू बेस्ट चॉइस फिलिंग कीजिए और मैक्सिमम चॉइस फिलिंग कीजिए, तभी आपका जो है कि चांस बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपका आता है तीसरा जो है कि आपको विदड्रा करने का ऑप्शन। तो विदड्रा करने के लिए देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है 10,000 रुपये जो है कि आपको वापस होंगे और 6,000 रुपये आपको अगर आप सीट कैंसिल कराते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको तीसरे राउंड के बाद आपको जो अगर आप फ्रीज अपने फ्रीज करा रखा है, जो है कि ब्रांच अपना फ्रीज करा रखा है, तो आपको जो है मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग आपको जो है कि अपने इंस्टीट्यूट में करना है, तभी आपका जो है सीट आपका जो है कि रिजर्व होगा, नहीं तो आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जितना पैसा है आपने सीट कन्फर्मेशन चार्ज दिया वो भी आपका जो है कि रिफंड नहीं होगा। फिर बात करते हैं चौथे राउंड की, तो सीट अलाटमेंट आपका जो है कि यहाँ पे जो है कि ऑटो फ्रीज हो जाएगा, इसमें आपको फ्रॉड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो है कि चौथे राउंड में आपको जो है कि पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन आप यहाँ पे कर पाएंगे, डेट जो है 6 जो है कि नवंबर तक आप जो है कि कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको चौथे राउंड के बाद भी आपको जो है फ्रीज करने के बाद आपको जो है रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर सभी बच्चों को जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो है कि इंटरनल स्लाइडिंग होता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, यानी उसमें जो है कि आप जैसे आपको ब्रांच बदलना है, जैसे मान लिया आप अपने इलेक्ट्रिकल ले रखा है आपको मेन राउंड में मिला है, आप अब जो है कि CSC चांस आपको मिलना चाहिए, आप लेना चाहते हैं तो आप जो है कि इंटरनल स्लाइडिंग करवा सकते हैं यहाँ पर, तो इंटरनल स्लाइडिंग यहाँ पर फिर अलॉटमेंट डेट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है कि सीट जो है वैकेंट, फिर भी 5 राउंड के बाद भी अगर सीट वैकेंट रहते हैं तब जाकर आपका जो है वैकेंट राउंड हुआ स्टार्ट होगा, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कि अगर जो है कि जो भी बच्चे जो है कि पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे या फिर कई को मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, तो छठवें राउंड में जो है कि आप जो है कि फिर से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, जो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे पहले राउंड से तो आप जो है कि इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको जो है 13 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है मतलब कि वैकेंट राउंड, इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट पे वेरिफिकेशन, ऑनलाइन चॉइस, सीट अलॉटमेंट, फिर उसके बाद फिर से अगर सीट कोई बचता है तो फिर से आपको जो है कि एक बार और एक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन चॉइस, ये सब चीज़ें आपको जो है कि मिला जुला कर आपको जो है 22 सितंबर जो है कि नवंबर तक चीज़ें आपको जो है कि जाएंगी, काउंसलिंग चीज़ें जाएंगी, यही आपका जो है कि शेड्यूल होने वाला है पूरा प्रॉपरली। और दोस्तों अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे जो है कमेंट कीजिए, और मैं और भी इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस पर ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। यूपी टैक की जो 2022 का प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको जो है चेकआउट कीजिए। बाकी दोस्तों एक और भी इन्फॉर्मेशन आया है कि आप जो अगर ओबीसी सर्टिफिकेट जो कि कास्ट सर्टिफिकेट है अगर किसी स्टूडेंट का जो है कि नहीं बना हुआ है तो उनके लिए दोस्तों एक फार्मेट दे रखा है, उसमें फार्मेट दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ जब होम पेज पे आएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ओबीसी NCL सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन फार्मेट। तो दोस्तों अगर आपने पास जो है कि 1 अप्रैल जो है कि
2022 के बाद का जो है आपने अपलोड नहीं किया है कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है, तो आपको जो है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर जो है कि सबमिट करना पड़ेगा। और आपका जो पुराना आपने अगर सबमिट किया उससे 1 अप्रैल से पहले वाला जो सबमिट किया है उसका नंबर वगैरह डाल देना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको अगर जब भी आप इसमें आप बोलेंगे कि जब भी मैं नया बना दूंगा तो मैं वहाँ पर सबमिट कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसमें आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। और दोस्तों कोई भी आपको क्वेरी होती है आप यहाँ पर जो है कि कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर जो है कि पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। और साथ ही साथ आप जो है कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यूपी टेक के जो है कि ब्रोचर में हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, जो है कि बिना कोई प्रॉब्लम के या फिर ऐसा मत कीजिए कि मतलब उससे बात करके मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर ऐसे मतलब डरिए मत उससे, आप जो है कि बात कीजिए, ठीक है, आपके लिए ही हेल्पलाइन नंबर बना हुआ है। और कोई कमेंट होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर रिप्लाई कर सकूँ या नया वीडियो बना सकूँ। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।